जब मुगल का जब यहाँ पर शासन था तो ये जो किशनगंज का जो हिस्सा था ये जो है नेपालगढ़ के नाम से जाना जाता था और ये नेपाल का हिस्सा था। सबसे पहले उसने क्या किया, सुजापुर में पॉइंट आलम, तो शाहआलम आए और शाहआलम ने जो है यहाँ पर किशनगंज में जो है उसने क्या किया, अपना जो है कब्जा किया। खगड़ा जो है, खगड़ा में जो है एक किला था जिसका नाम था नेपालगढ़ किला, तो सब जाकर क्या किया उसने नेपालगढ़ किला को कब्जा किया और उसका नाम जो है नेपालगढ़ किला का नाम बदलकर उसको जो है क्या कर दिया, आलमगंज के नाम से रखा। और आलमगंज नाम रखने के बाद जो क्या किया, अपना जो पूरा सुजापुर से वहाँ बहुत दिन बाद जो है वहाँ नवाब मोहम्मद फखरुद्दीन जो है वहाँ पर अपना शासन चलाने लगे। आने के बाद क्या हुआ कि खगड़ा में जो है कुछ दिन बाद एक संत आए खगड़ा में, तो खगड़ा में जब संत आए तो कहा कि चलो ठहरते हैं आज, किस यहाँ जगह है ठहरते हैं। तो ठहरने के लिए जब उसने सोचा कि हम ठहरेंगे तो उसने जब नाम सुना कि इस जगह का नाम खगड़ा में जगह जो है इस जगह का नाम हवेली का नाम आलमगंज है, ठीक है। तो और उसके बाद वो सुना कि यहाँ जो पुल उल नाम है सब नाम सुना मुसलमान नाम रमजानी पुल है, नवाब का जो नाम था फखरुद्दीन था, इसीलिए जो है बेचारा डर गया और उसने कहा कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो उसके जो लोग थे आस पास, उसके बाद क्या किया उसने, ये जो है किशनगंज का जब जो हिस्सा था वहाँ से रमजानी जो पुल है वहाँ से लेके किशनगंज गुजरी का नाम रख दिया क्या, गांधी घाट, गांधी घाट के नाम से बदल दिया। उसके बाद फिर क्या किया कि किशनगंज का जो एरिया का नाम, इसका नाम बदल कृष्णागंज, और कृष्णागंज का नाम रखने के बाद जो है क्या किया ताकि जो है लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ मुसलमान का हिस्सा है, सिर्फ और सिर्फ उस संत की वजह से, ठीक है। उसके बाद कृष्णागंज का नाम बदल के फिर इस तरीके से कुतुबगंज, फिर बदलते बदलते फिर जो है लास्ट में क्या आ गया, किशनगंज, समझे। तो हुआ क्या था कि फिर जो है 14 जनवरी 1990 में जो है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट बना, क्योंकि इससे पहले जो सब डिवीजन था हम लोग का जिला था वो पूर्णिया था। उसके बाद बहुत जो है मेहनत करने के बाद हमारा किशनगंज जो है क्या बना कि 14 जनवरी 1990 को एक जिला बना, और जिला बनने के बाद फिर भी सिविल कोर्ट की जो जमीन कागजात जो भी खतियान जो किसान काम था।